Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. संजय दत्त की बायोपिक संजू बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब मुश्किल में घिरती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई बम धमाके में उम्र की 30 जा काट रहे अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के वकील ने फिल्म संजू के निर्माताओं को लीगल नोटिस भेजते हुए माफी की मांग की है। उन्हें फिल्म में कुछ दर्शकों से आपत्ति है। उनका कहना है कि फिल्म में उनके बारे में गलत जानकारी दी गई है, जिसके लिए उन्हें माफी की मांग की है। अबू सलेम की ओर से विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी सहित अन्यों के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात की है। एडवोकेट प्रशांत पांडे के जरिए भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि फिल्म में उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। अबू सलेम ने नोटिस में लिखा है कि फिल्म में उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है। इसके लिए मेकर्स को 15 दिन के अंदर उनसे माफी मांगनी होगी, नहीं तो वो उनके ऊपर मानहानि का केस कर देगा। यह सारा विवाद राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म संजू के बाद सामने आया। इस फिल्म में दिखाया गया था कि 1992 में अबू सलेम ने बॉलीवुड अभिनेता संजय को हथियार सप्लाई किए थे। घर में हथियार रखने के मामले में संजय को जेल भी हुई थी।